तो यार ये रहा अपने पास फौजी। और ये बस एक बीटा एक्सेस है, तो अभी इसका कुछ स्टेबल नहीं रहेगा। और 11, 13, 14, 15 कुछ ऐसा ही FPS अपने को इसके अंदर में देखने के लिए मिल रहा है। इधर क्या लिखा है, नियमों का पालन करे। ओके, अच्छी बात लिखी हुई है यहाँ पर। ग्राफिक्स एकदम खतरनाक लग रहे हैं यार इधर में। और कुछ कुछ ये बैटल प्राइम जैसा है। और अभी इसमें हम बंदे ढूंढने के लिए भी निकल जाते हैं। अच्छा, तो ये कुछ एम पे ऐसा दिखता है, दूसरे गन में ऐसा है। तो बंदे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पोस्टर्स भी पड़े हुए हैं और बंदे तो यार मेरे को दिख ही नहीं रहे यार। मैं बहुत ढूंढा लेकिन अब बंदों का कुछ भी अभी अता पता नहीं दिख रहा है। और इसके लिए अपने को काम करना पड़ेगा कि दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। तो अभी अपन एक दूसरी जगह पर जाएंगे और दूसरी जगह पर जाके चेक करते हैं। पहले अपन यहाँ पे देखते कुछ अलग से ग्लिच, तो क्या वो पबजी में ऐसा ऐसा आगे साइड लेफ्ट ऐसा करके देखते ना। मतलब मेरे को वो अच्छे से तो आता नहीं है क्योंकि मैंने पबजी बहुत ही कम खेला है, यानी कि बस ना के बराबर। बस उसके अलावा बस मैंने अपने गेम खुद का बनाने के लिए ऊपर फोकस किया है, और वो भी एकदम जल्द ही आ जाएगा। क्योंकि अभी अपन इंडिया का बेस्ट मल्टीप्लेयर गेम फौजी को खेलने वाले हैं। और अभी अपन इधर जाते, इधर एक बंदा मिला है, अभी मैं इसको इधर ले तो टपका डालता हूँ यहाँ पे। तो अभी अपन उस दूसरी जगह पे जाएंगे, यहाँ पर दिख ही रहा है शायद इसकी लाश वाश। तो इस पर अपन एमओ लेने के लिए निकल जाते हैं। ठीक है, एमओ कलेक्टेड हो गई है। इधर कुछ रिक्शा विक्शा भी पड़े हुए हैं, इधर जाते हैं। अभी इधर तो बंदेज बंदे यार, सबको मारना पड़ेगा। और अभी मेरे को ही मार दिया यार इसलिए इन लोगों ने। कोई नहीं यार, अपन थोड़ी देर में रिस्पॉन होंगे और एक एक को एक एक करके इनके चिथड़े उड़ा देंगे। तो अभी अपन यहाँ पे वापस आ चुके हैं। FPS स्टेबल नहीं है, मैंने इसके ग्राफिक्स पूरे अल्ट्रा करके रखे थे और FPS भी अनलिमिटेड पे करके रखा था। हाँ, इस पर अनलिमिटेड का ऑप्शन भी है, थोड़ी गलत बोल दिया मैंने, लेकिन जो भी है उसको। लेकिन फिर भी यार 11 12 और अनलिमिटेड के पीछे 60 FPS लिखा हुआ था, तो कम से कम 30 FPS तो भी मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी वो नहीं मिल रहा है। लेकिन छोड़ो, उसका भी कुछ अपने को नहीं चाहिए तभी। अब ये भी अच्छा ही लग रहा है, थोड़े इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। यहाँ पर कोरोना का यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और बहुत सारी इंडियन चीज़ें, द इंडियन आर्ट स्टेशन क्या लिखा था तो पता नहीं। तो अभी अपन बंदों के इलाके में घुस जाते हैं। ये बंदेज बंदे यार, यहाँ पे अपन तो पहले इसको टपका देता हूँ मैं। मर रहा है, मर जा यार, मर जा, मरता क्यों नहीं यार ये तो जादू वादू किया है क्या। और दूसरी गन से, और अरे 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 मेरे को मार दिया किसने तो भी। अगली बार मैं सच में उनके चिथड़े उड़ा के रख दूंगा। तो फिर उसके बाद में मैं रिस्पॉन्ड हो जाता हूँ। और ये मारुति सुजुकी वैन की हुई है यहाँ पे। और ठीक, फिर मैं फिर से उन्हीं बंदों के इलाके में जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इधर बीच में एक बंदा आ जाता है जो कि मेरा पूरा मूड खराब कर देता है। और फिर लेकिन ये वाला बंदा उसकी जान दे देता है। और उसके बाद में मैंने सोचा कि यार उसी जगह पे जाना ठीक रहेगा जहाँ पे ढेर सारे बंदे अपने को मिले थे। ये वही ट्रक है ना फौजी का, पुराने वाला, टेक्सचर रेजोल्यूशन कम करके दिया गया है। तो अभी अपन उसी इलाके में जाने वाले। मुझे कौन मार रहा है रे, वो वाला है। ओ, उसने मुझे मार भी दिया। मैं देख रहा हूँ कि यार एक या दो ही गोलियों में यार मर जा रहे हैं ये लोग। और इसमें जो प्लेयर्स होनी है क्या, उनकी शेडोज नहीं है, ये बात मेरे को ऐसी नोटिस की लग रही है। और शेडोज थोड़ी सी अलग ही है इसमें, लेकिन जो भी है प्लेयर की शेडो रहती है और थोड़े से पोस्ट प्रोसेसिंग इफेक्ट्स यूज़ किए रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गया रहता गेम। लेकिन अभी क्या है, वो क्या हुआ रहा है यार, फ्लिकर हो रहा है यहाँ पे। तो ये क्या, ये भी किसी वैक्सीनेशन के इसमें है, बारे में ये पोस्टर अपने को यहाँ पे दिया गया है। और अभी अपन यार मैं बंदों की तलाश के अलावा दूसरा ये सब काम किए जा रहा हूँ यार, ये तो ज़रा गलत हो रहा है। तो वहाँ पे मुझको एक बंदा दिख जाता है और फिर मैं उसको उससे मारने की कोशिश करता हूँ, और एक दो ही गोलियों में ख़त्म हो गया बंदा, छोड़ो। और अभी अपन उस पायरी पे चढ़ने वाले हैं। और अभी यहाँ पे बंदों का इलाका है रेड कलर का, तो फिर मेरे को लगता है कि यहाँ पे अपने को बहुत सारे बंदे मिलने वाले हैं। तो फिर मैं नीचे चले जाता हूँ, इधर मेरा अपना एक भाई रहता है, लेकिन उसको वो लोग मार डालते हैं। फिर मैं आता हूँ अपने भाई का बदला लेने के लिए और सभी लोगों के चीथड़े उड़ा देता हूँ, चारों खाने चित करता हूँ। एक वन किल। और ये रहा यहाँ पे, अरे यार, टू किल और डबल धमाका होता है यहाँ पे। और ये रहा तीसरा किल।
और अभी ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुका है और मैं बन चुका हूँ फौजी गेम का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किल वाला पहला इंसान। अभी इस रिकॉर्ड कहीं और लोग तोड़ देंगे मुझे पता है, लेकिन यार रिकॉर्ड तो पहला मेरा ही है। उसके बाद में मैं और एक बंदे को मारता हूँ और ये रहा फौजी का TDM एक्सेस का अर्ली एक्सेस का सबसे ज़्यादा किल, तो मुझे किसी ने मार डाला। तो बस है आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। अभी के लिए गुड बाय।